ईवीएम की ओपोजिशन हर पार्टी ने की, अमरीका में क्यों नहीं है, यूरोप में क्यों नहीं है। इलेक्शन कमीशन साबित करे कि हमारी ईवीएम डिपेंडेबल है। ये थोड़ी है कि हमने 1942 में 27 जुलाई को जवाब दे दिया था, वो पढ़ लो उसको, ऐसा थोड़ी होता है। चाहिए मशीन में दो इम्प्रूवमेंट मैंने सजेस्ट किए हैं, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और एक ऑल इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है, मैं हूं संकेत उपाध्याय। ईवीएम को लेकर के बहुत बहस चल रही है, ये ईवीएम के लिए ये कहा जा रहा है कि वो फिर से अपनी अग्नि परीक्षा दे। एक लोकतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए, क्वेश्चन एवरीथिंग, क्वेश्चन एवरीवन का एटीट्यूड भी होना चाहिए। ईवीएम को लेकर के हमको लगा कि बजाय इधर उधर जाने के, जिसके जिम्मेदारी ही ईवीएम थी उनसे कुछ सवाल पूछे जाए। तो एस वाई कुरेशी साहब, इलेक्शन, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर, आपका बहुत बहुत स्वागत कुरेशी जी हमारे द रेड माइक में। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कुरेशी साहब। बैन ईवीएम, ईवीएम हटाओ, ईवीएम गलत है, ईवीएम चुनाव में गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है, ऐसी बातें अब सुनने को आ रही हैं और एक खासा बड़ा कैंपेन या मूवमेंट जैसा जमीन पर बनता हुआ दिख रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे पहली बात आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर। देखिए, मैं इस पे दस बारह साल से जब मैं 6 साल इलेक्शन कमीशन में था, उसके बाद से 10-12 साल से ईवीएम को मैं डिफेंड ही करता हूं, क्योंकि मैंने ईवीएम को बड़े करीब से देखा है, उसको ऑपरेट किया है, उसमें क्या समस्याएं होती है उनको सुधारने की कोशिश की है। उस कॉन्टेक्स्ट में ईवीएम बंद करो और बैलेट पेपर पे जाओ, और उसके खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इतनी इल इन्फॉर्म्ड होती हैं, अमेरिका में क्यों नहीं है, यूरोप में क्यों नहीं है, 4 देशों में यूरोप के बंद कर दिया था, जर्मन सुप्रीम कोर्ट, ये 3 मेन चीजें की थी, इन तीनों का अगर आपके पास टाइम होगा मैं इन तीनों का जवाब दूंगा, कि मालूम कुछ है नहीं, बगैर जाने बूझे बड़े बड़ी लोग एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे होते हैं, तो इसको अच्छी तरह गौर से समझने की जरूरत है। कुछ प्रॉब्लम जरूर है जिसका इलेक्शन कमीशन को समाधान करना चाहिए, जो मैंने अभी रिसेंटली टेलीग्राफ में 3 दिसंबर जिस दिन काउंटिंग हुई है उस दिन मेरा एक आर्टिकल आया था इसी इशू पे, कि आज काउंटिंग हो रही है, शाम से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, आप देख लेना, वो हुई है, वो चल रही है। मैं तो सुबह लिखती थी, वो एक हफ्ते पहले आर्टिकल भेज के लिखा था मैंने, तो क्योंकि ये साल साल से ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है और उसको सेटल करने के लिए जो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को कोशिश करनी चाहिए थी, भाई सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला लो, उनसे बात करो, वो 25-25 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं, ये तो कुछ अच्छी बात नहीं है। हमारे डिस्प्यूट आपस में घर में सेटल होने चाहिए, कोर्ट में, कोर्ट अगर कल को ये कहे इलेक्शन कमीशन का, इनको बुला के सुनो और बताओ क्या करते हैं, जैसा कि एक आध बार कोर्ट ने कहा है, आपको याद होगा 2019 में कुछ मॉडल कोर्ट के नोटिस शिकायतें आई थी, तो 25 दिन तक इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा कि आप 25 दिन से मॉडल कोर्ट की कंप्लेंट पे बैठे हो, फैसला करो, तो अगले दिन फैसला किया, चाहे फैसला क्वेश्चनेबल किया लेकिन फैसला तो किया ना। ये जो सुप्रीम कोर्ट और जो छोटी कोर्टें भी लताड़ने लग गई हैं, ये बदकिस्मती की बात है, हमारे वक्त में सवाल ही नहीं पैदा था। सुप्रीम कोर्ट और दूसरी कोर्ट बहुत इज्जत से हमको देखते थे, क्यों, क्योंकि हम कोई क्वेश्चनेबल काम करते ही नहीं थे, हम सबके लिए एक्सेप्टेबल है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसी नहीं थी जो हमारे खिलाफ जाके कोर्ट अदालतों में जाएं, शोर मचाए अगर मचाएं। ये जरूर है कि हमारे वक्त में ईवीएम की ओपोजिशन हर पार्टी ने की, ये मैं बता दूं, किसी न किसी टाइम पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने ईवीएम को की मुखालफत की है, और उन्हीं ईवीएम पे वो जीत के भी आते रहे हैं, तो अब जब जीत के आए उसके बाद ना सिर्फ मुखालफत बंद करनी चाहिए बल्कि सपोर्ट करनी चाहिए कि साहब हमारा इतराज गलत था। सिर्फ एक पार्टी है जिसने अटैक भी सबसे ज्यादा किया था और अब डिफेंड भी सबसे ज्यादा कर रही है, वो बीजेपी है। 2009 में इतना अटैक हुआ था कि उन्होंने तो एक किताब डाली थी नरसिम्हा राव ने, डेमोक्रेसी इन डेंजर, अडवाणी जी ने उसका फॉरवर्ड लिखा था, है ना। उसके बाद वही बीजेपी, वही मशीन है, वही सब सिस्टम है, सब कुछ हो रहा है, अब वो मशीन ईवीएम की सबसे बड़ी डिफेंडर बीजेपी है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि बीजेपी इसको जितना डिफेंड करती है ना, उससे और लोगों को और शुभा हो जाता है। डिफेंड करना इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन साबित करे कि हमारी ईवीएम डिपेंडेबल है,
तो ज्यादा ठीक रहेगा। अदरवाइज लगता है कि कोई पॉलिटिकल मोटिव और उसके पीछे कोई पॉलिटिकल फोर्सेस है, जो ऑफ कोर्स बेबुनियाद बात है। कुरैशी साहब, तो कैसे ईवीएम को डिफेंड किया जाए? क्योंकि देखिए, मशीन है और ये एक लोगों के मन में वक्त वक्त, आप राजनीतिक दलों को एक एक किनारे भी रख दीजिए, क्योंकि जब वो जीतेंगे तब वो कुछ और बोलेंगे और हारेंगे तो कुछ और बोलेंगे, जैसे कि अभी आपने उदाहरण दे करके बताया। लोगों के मन में समय समय पर क्या ईवीएम को अपनी अग्नि परीक्षा देती रहनी पड़ेगी और ये इलेक्शन कमीशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और अगर है तो फिर ये कैसे हो? बिल्कुल, आपने संकेत ये बड़ी ठीक बात कही कि ये इसकी अग्नि परीक्षा तो बार बार भी अगर देनी पड़े तो देनी चाहिए। और जो मेजर सीरियस बात आपने कही, मुझे भी उसकी ज्यादा चिंता है कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज ने तो फ्रॉम टाइम टू टाइम ईवीएम पे इतराज किया ही है, चैलेंज किया है, कोर्ट तक में गए हैं, लेकिन जनता को पूरा विश्वास और ट्रस्ट था इलेक्शन कमीशन में और ईवीएम में। वो जो विश्वास टूटने लगा है, ये ज्यादा खतरनाक है। मेरा तजर्बा यह है कि जब भी कोई इख्तलाफ की बात होती थी, हम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाते थे, डिस्कस करते थे, वो भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, आपस में बात करते थे एक दूसरे की राय, और जो या कन्विंस हो जाते थे या कन्विंस कर लेते थे। जनता के दिमाग में अगर ये घुस गया, जो घुस चुका है काफी हद तक और घुसता जा रहा है, उसको निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इससे पहले कि बिल्कुल ही इरिवर्सिबल सिचुएशन हो जाए, हमें इसके पे डिसाइसिव एक्शन करना चाहिए। और वो क्या हो सकता है कि अब अगर किसी पार्टी ने कहा कि हम मिलना चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन के उस पे नहीं मिलती, और उनको नौ नौ पेज का जवाब लिखने का उनके पास टाइम है, मिलने का नहीं है, ये मेरे ख्याल से ये कोई दूरंदेशी की बात नहीं है। अरे बात करो, आप डरते क्यों हो उनसे? आप से उसे को से बात करेंगे, उल्टा आप जब उनको अपने सारे सबूत दिखाओगे तो वो लाजवाब होके चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास इलेक्शन कमीशन को पास छुपाने के लिए कोई चीज नहीं है। फैक्ट इज कि वो जो अगर मशीन के बारे में कह रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। और जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो पहले 51 थे, अब 78 हो गए हैं, तो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन अभी भी अगर 5 7 10 क्वेश्चन अनआंसर्ड है भाई, और ऐड कर लो उसमें, उसमें कौन सी बड़ी बात है? किस चीज का इंतजार है? प्रेस्टीज इश्यू क्यों बनाया हुआ है? कोर्ट पे जाने पे इनको क्यों मजबूर करते हो? और पार्टी अगर शोर मचाती रहेगी तो जनता के दिमाग में भी डाउट घुसेगा। बस वो घुसने से पहले इसका समाधान होना चाहिए, मेरी ये सबसे बड़ा ही फिक्र और चिंता है। आपको लगता है कुरैशी साहब कि इलेक्शन कमीशन, वो आप उन्हें प्रोएक्टिव होने की सलाह दे रहे हैं? आपको लगता है कि वो प्रोएक्टिव हैं? नहीं, कम्युनिकेटिव होने की सलाह दे रहा हूँ। प्रोएक्टिव तो वो है, लेकिन प्रोएक्टिव उन्होंने एफएक्यू अपडेट कर दिया, ये प्रोएक्टिव है। 9 पेज का जवाब जयराम रमेश को दे दिया, अच्छे वो है, लेकिन कम्युनिकेटिव क्यों नहीं है? ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुला लेते? 23 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई थी 2 3 साल 4 साल पहले, ऐसी नौबत क्यों आई? कोर्ट का क्या मतलब है इसमें? सुप्रीम कोर्ट का क्या है? फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, इलेक्शन कमीशन के पास है, नहीं मिलेंगे, बात नहीं करेंगे, ये क्या मतलब है? अरे तनख्वाह मिलती है अपनी ऑफिस खोले रखने की, हर चीज का जवाब देने की, और बार बार एतराज होगा तो बार बार जवाब देना चाहिए। ये थोड़ी है कि हमने 1942 में 27 जुलाई को जवाब दे दिया था, वो पढ़ लो उसको, ऐसा थोड़ी होता है कि जी 2 साल पहले 5 साल पहले 6 महीने पहले हमने जवाब दे दिया था। अरे शिकायत फिर ताजी है तो फिर उसका जवाब दो, क्योंकि अखबार में आप मीडिया में आप लोग जो लिखेंगे तो लोग तो वो आज का पढ़ेंगे। अब वो जो इसलिए ये कह देना कि हम जवाब दे चुके हैं वो पढ़ लो, ये नहीं है, फिर जवाब दो और जोर से दो, ज्यादा लाउडली दो, तो क्योंकि आपको कुछ छुपाने को तो है नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर देनी चाहिए और बहुत सारी चीजें समझाने की। ईवीएम की डिफेंड है, देखिए ईवीएम को मैं आज तक डिफेंड करता हूँ, मेरा तो कोई स्टेक नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कुरैशी मैं साहब, जब ये डिफेंड बताइए, करता ऐसा हूँ। क्यों है कि इस दुनिया में शायद कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जो ईवीएम को इस तरीके से यूज कर रहा है जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, और उस पर भी आपका ये कहना कि हाँ आप डिफेंड करते रहेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्यों? नहीं, देखिए 3 बात जो मैंने बार बार सुनी है कि साहब देखिए इवन अमेरिका डजंट यूज ईवीएम, ये बहुत लोगों से आपने भी सुना होगा, मैंने सुना, बार बार सुना है, हाँ
बहुत ये सुना। बिल्कुल ये बड़ा इल इन्फॉर्म्ड कमेंट है, क्योंकि ये कहना अमेरिका ईवीएम डजन यूज ईवीएम ये गलत है, क्योंकि ये लोगों को पता ही, जो एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं और जहालत की बात कर रहे हैं। अमेरिका में सिंगल सिस्टम है ही नहीं, अमेरिका इज टोटली डिसेंट्रलाइज, वहां पे 10,243 या कितने काउंटीज हैं, हर काउंटी का अलग सिस्टम है, हर काउंटी अपना ही इलेक्शन कराती है अपने तरीके से, उनमें से सैकड़ों काउंटीज में बल्कि हजारों में ईवीएम है, और एक ईवीएम नहीं 10-20 प्रकार की ईवीएम है और बहुत सारी में नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इवन अमेरिका डजंट यूज ईवीएम? अमेरिका यूजेस ईवीएम एंड अमेरिका डजंट यूज ईवीएम, आधा अमेरिका यूज करता है आधा अमेरिका यूज नहीं करता, तो इसलिए ये ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड एज इल इन्फॉर्म्ड। दूसरे की जी हिसाब, यूरोप के 4 देशों ने ईवीएम को रिजेक्ट कर दिया था, ये फैक्ट है कि 4 देशों ने रिजेक्ट किया था, लेकिन उसके जरा तफसील में जाइए, चारों के चारों देश एक नेदरलैंड की कंपनी है नेडप, उसकी मशीन को यूज करते थे, उस मशीन में एक टेक्निकल डिफेक्ट प्रूव हुआ कि उसका सिग्नल कमरे के बाहर भी देखा जा सकता था, रिसीव हो रहा था, तो नेडप ने इसको माना कि ये टेक्निकल डिफेक्ट है, तो नेदरलैंड जो मदर कंट्री है उसने जब अगर मशीन विड्रॉ कर ली तो बाकी 3 कंट्री में तो विड्रॉ होगी होगी, तो उनको चार कंट्री चार इंस्टेंसेस गिनना गलत है, वो एक ही इंस्टेंस है, वो एक मशीन थी जो 4 कंट्री में यूज हो गई थी, जब विड्रॉ की गई तो चारों ने विड्रॉ कर ली, तो मैं इसको 4 इंसिडेंट नहीं, मैं इसको एक इंसिडेंट मानूंगा। तीसरी चीज कहते हैं, देखो जर्मनी ने उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, मैंने जब भी सुना, मैं उस वक्त तो मैं इलेक्शन कमीशन था, मैं भी परेशान हुआ, मैंने वो सीधी सी बात जो हमें करनी चाहिए, मीडिया को करनी चाहिए अगर पॉलिटिशियन नहीं करते, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने, जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, जजमेंट तो पढ़ लो, जजमेंट में हमने जब पढ़ा उन्होंने उसमें ये लिखा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मशीन अनडिपेंडेबल है, मैनिपुलेट हो सकती है, बिल्कुल नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारा सिस्टम ऐसा, इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वोट ठीक जगह जा रहा है, ये वोटर को बगैर किसी एक्सपर्ट की मदद के खुद नजर आ जाए। अब आप जब बटन दबाते हैं मशीन में वोट जाता है तो हमको नजर तो नहीं आता ना, उस तो वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में वो स्पेसिफिकली मना है, तो उन्होंने कहा साहब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये मना है, इसलिए इसको उन्होंने बैन की, ये नहीं कि मशीन खराब है। उसका जवाब में ये, तो नंबर 1 के एक तो जजमेंट पढ़ लो कि जजमेंट रीजन क्या था, दूसरे हिंदुस्तान में जर्मन सुप्रीम कोर्ट तो हम नहीं मानते, हमारी तो अपनी सुप्रीम कोर्ट है, बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट है, उसने यही बात उससे 25 साल पहले कही थी, 1982 में कही थी, और उन्होंने क्या कही थी, उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि ईवीएम खराब चीज है, बिल्कुल नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि साहब आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा हुआ है कि हम बैलेट इलेक्शन हम बैलेट पेपर से कराएंगे, तो ईवीएम बैलेट पेपर तो है नहीं, तो जब उसका नाम एक्ट में नहीं है तो आप कैसे करा सकते हैं, आप ईवीएम का नाम अपने एक्ट में डलवा लीजिए और मशीन से करा लीजिए, तो हम लोग पार्लियामेंट में वापस गए, पार्लियामेंट ने उसमें ईवीएम को भी ऐड कर दिया, इलेक्शन या बैलेट पेपर से या ईवीएम से कराया जा सकता है, उसके बाद 1998 से सारे स्टेट इलेक्शन और 2004 से नेशनल इलेक्शन ईवीएम से होने लग गए, अगेन किसी ने उसको मशीन बेईमानी कर सकती, ये नहीं किया, बल्कि कुछ कोर्ट ने तो इसको वंडर मशीन बोला, प्राइड ऑफ इंडिया बोला, तो मशीन तो बड़ी ये हमारी ईवीएम जुडिशियल स्क्रूटिनी वगैरह कर चुके हैं। और फाइनली मैं बताना चाहूंगा, आपने शुरू में एक लफ्ज बोला था प्रूफ, देखिए कर्नाटक इलेक्शन तो 4-5 महीने पहले हुआ, बीजेपी ने उस इलेक्शन को जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया, 34 बार प्रधानमंत्री एक देश के एक स्टेट इलेक्शन में विजिट करने गए हैं, कैंपेनिंग करने गए हैं, पूरी कैबिनेट ने 2 महीने 3 महीने वहां कैंप किया, लाखों करोड़ रुपए वहां पे खर्च किए, अगर मशीन मैनिपुलेट हो सकती होती तो क्या छोड़ दिया होता, लोग फिर भी क्या, जब मैं ये आर्ग्यूमेंट कहता हूँ कि नहीं 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 छोड़ दिया होगा होशियारी में, ताकि 1-2 इलेक्शन हार जाएंगे तो मशीन की क्रेडिबिलिटी बढ़ी ये बहुत रहेगी, लोग कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं, मैं समझता हूँ बड़ी बेवकूफी की आर्गुमेंट है ये, अरे भाई मोहल्ला सुधार कमेटी का इलेक्शन भी होगा और वो भी मैं जीत सकता हूँ तो मैं जीतने की कोशिश करूंगा, डेलिबरेटली हार जाऊं ये ताकि मेरी क्रेडिबिलिटी आगे के लिए बने, ये बड़ी बचकाना आर्गुमेंट है। तो देखिए कर्नाटक का इलेक्शन, कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार थी, क्योंकि
यही चीज आर्ग्यूमेंट हमने बंगाल के लिए की थी, तो उस वक्त कहते कि जी बंगाल में तो टीएमसी की सरकार है, उन्होंने गड़बड़ नहीं होने दी वरना मशीन मैनिपुलेट हो जाती। कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार थी और हारी, हिमाचल में तो बीजेपी की सरकार थी और हारी, पंजाब में दो सीटें कांग्रेस आई, की सरकार तो थी। कांग्रेस हाँ की सरकार थी लेकिन बीजेपी की 2 सीटें आई, और कांग्रेस की हाँ कितनी आई, कांग्रेस की तो एक भी नहीं आई। तो अगर मशीन मैनिपुलेट हो सकती होती तो जिसने पहली बार मशीन यूज की थी वो सरकार कभी भी ना गिरती आज तक। मुस्तकिल इलेक्शन कमीशन ने अभी रिसेंटली, सीईसी ने बड़ा अच्छा एक बयान जारी किया जो मैंने मीडिया पे सुना, कि जिसमें उन्होंने स्टेटिस्टिक दी कि 150 के करीब हमने स्टेट इलेक्शन कराए हैं, उनमें से 50 में रिजीम चेंज हुई है। इसी तरह पार्लियामेंट में कितनी बार रिजीम चेंज हुई, अगर रिजीम चेंज चार रेगुलरली होती होती रहती है तो इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि मशीन डिपेंडेबल है। लेकिन जो मशीनों में सुधार और इम्प्रूवमेंट की बात होती है, और ये सब हमें अगर फिर भी एतराज होता है तो हमें सुनना चाहिए। अब सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म बीजेपी ने 2009 में किया, एक किताब भी लिख दी थी डेमोक्रेसी इन डेंजर, जिसका मैंने जिक्र किया वो। जी उसके बाद हमने जब मैं सीईसी बना, मैंने फॉरन जो मेरा एक तरीका कार था, मैंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के उनसे अपने इनिशिएटिव पे, भाई आप इतना बोलते रहते हो बाहर, प्लीज मुझे आके समझाओ तो सही क्या प्रॉब्लम है। चंद्रबाबू नायडू उसके लीडर, और तो मैंने सब पहले तो मैं हुआ, मैंने कहा चंद्र बाबू जी आप तो टेक्नोलॉजी आइकॉन है और आप ही टेक्नोलॉजी के खिलाफ डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, मेरे लिए तो ये बड़ा चैलेंज है कि मैं आपको कन्विंस करूं और आपको ईवीएम का ब्रांड एम्बेसडर बना के बाहर भेजूं, बताओ क्या शिकायत है। तो उन्होंने कहा कि साहब हम ये नहीं कह रहे कि ईवीएम मैनिपुलेट होती रही है, हम ये भी नहीं कह रहे ईवीएम आगे मैनिपुलेट होगी, हम तो कहते हैं कि जी ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस कर दो। ट्रांसपेरेंसी ना होने का मतलब क्या कि जब आप बटन दबाते हैं तो वोट एक मशीन के अंदर जाता है, वो मशीन में ठीक जगह गया कि नहीं गया ये तो दिखाई तो नहीं दे रहा आपको, ये तो हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन कह रही है और हर 10 तरीके का और प्रूफ देते, इस वजह से आप लोग मानते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि साहब, हमने कहा सोल्यूशन बताइए, उन्होंने कहा साहब वीवीपैट शुरू कर दीजिए, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल शुरू कर दीजिए। नाउ इसमें दो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं वीवीपैट में, एक तो वोटर वेरिफाइबिलिटी यानी वोटर वेरीफाई करे कि जिसको मैंने चुना था वही वोट जा रहा है इसके अंदर, दूसरा है पेपर ऑडिट ट्रेल यानी प्रूफ, पेपर का छपा हुआ प्रूफ बना रहे जिसको हम साल बाद, 2 साल बाद और 5 साल बाद भी देख सकेंगे वो ठीक है कि नहीं, वो ट्रेल हो गई, पेपर ऑडिट हो गया उसका। तो ये दोनों चीजें वीवीपैट में है। तो आप यकीन जानिएगा संकेत जी, उसी मीटिंग में, क्योंकि आइडिया रीजनेबल था, बातचीत में निकलता है उनका, उनका ये आइडिया हमको इतना अच्छा लगा, मैं और मेरे दोनों कलीग, हमने उसी मीटिंग में फैसला किया कि यस हम वीवीपैट शुरू कर देते हैं। हमने दोनों फैक्ट्रियां जो वीवीपैट बनाती हैं, ये ईवीएम बनाती है, फौरन हमने उनको आदेश दिया कि ये मशीन डेवलप करना शुरू करो। हमारी एक पांच एक्सपर्ट की कमेटी है जो 5 डिफरेंट IITs के प्रोफेसर है, अलग अलग IITs के, वो एक्सपर्ट कमेटी है, वो हमारे लिए बिल्कुल प्रो बोनो फ्री काम करते हैं। हमने उनसे कहा कि साहब आप इसको सुपरवाइज कीजिए, गाइड कीजिए इनको मशीन डेवलप करने में, मशीन डेवलप हो गई। फिर जुलाई 2011 में मशीन बन के जब तैयार आ गई तो हमने पूरे दिन का एक पोल किया, फुल डे का, 5 डिफरेंट शहरों में, और वो शहरों की चॉइस भी देखेंगे, देखिए कितना हम दिमाग लगा के काम करते हैं। त्रिवेंद्रम क्योंकि कोस्टल एरिया में देखना चाहते थे कि कैसा मशीन बिहेव करती है, जैसलमेर रेगिस्तान, लद्दाख ले में पहाड़, दिल्ली एज ए नॉर्मल एनी सिटी और चेरापूंजी एज ए रेनी सिटी, हमने इन 5 क्लाइमेट जोन में इन मशीनों को दिन भर टेस्ट किया। ये टेस्ट फ्लॉप हो गया बाय द वे, 40% मशीनों में खराबियां आई। तो हमने इनको कंपनी को कहा कि यू गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, दोबारा से इसको ठीक करके लाओ, बना के लाओ। उन्होंने साल भर उस पर काम किया, बड़े लोकल टेस्ट किए, पायलट किए। फिर अगले साल उसी महीने में जुलाई का महीना और उन्हीं 5 शहरों में दोबारा टेस्ट किया, किसी और जगह करते तो कुछ और रिजल्ट आ सकता था, वो नहीं हम चाहते। तो उन्हीं 5 जगह जब टेस्ट किया तो 100% कामयाबी हो गई।
उसी वक्त फैसला कर दिया गया कि ठीक है 20,000 मशीनें बनाओ और अब हम इसको रियल इलेक्शन में यूज करेंगे। और सबसे पहले रियल इलेक्शन में हमने दिल्ली में शीला दीक्षित जो चीफ मिनिस्टर थी उनके इलेक्शन में किया, क्या हम ये को ये भी ना कहे जी आपने इधर उधर के छोटे मोटे इलेक्शन में कर दिया, हमने वीआईपी इलेक्शन में उसका इस्तेमाल किया। नागालैंड में क्या बहुत अच्छा चला, सब तरह से डिमांड आई बनाई है। उसके बाद फिर इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंच गया 2013, हम 2011 2012 में ऑर्डर कर चुके हैं मशीन बनाने का, 20,000 मशीन हमारे पास आ चुकी है। 2013 में ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कुछ लोग ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन का क्रेडिट नहीं है, कोई फला नेता है उनकी वजह से हुआ, लेकिन उनका केस तो 2013 में गया सुप्रीम कोर्ट में, 2012 में हम मशीनें ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किए बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने की जजमेंट पड़ी उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन की बड़ी प्रशंसा की, क्या आपने ये बहुत अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, और हम सरकार को आदेश देते हैं कि आपको पूरा पैसा उपलब्ध कराएं ताकि आप पूरे देश की में ये ईवीएम वीवीपैट से इलेक्शन करा सके। तो वो हो गया ये बात दूसरी के सरकार ने 1.5 साल लगाया वो देने में, लेकिन फाइनली जब पैसे दिया, क्योंकि मशीनें 20 लाख मशीनें बनाने में तो टाइम लगता है, तो खैर वो मशीनें बन के आ गई और 2019 का इलेक्शन उससे हुआ। फिर पर्चियां गिनने का जो अब दूसरा जो वीवीपैट पे जो झगड़ा चले ना, अब आजकल ईवीएम से ज्यादा झगड़ा वीवीपैट पे है कि वीवीपैट से जो पर्चियां छपती हैं वो कितनी मशीनों की पर्चियों को गिना जाए, मशीन से कंपेयर किया जाए। अब जब हम ईवीएम और अभी अभी हाल फिलहाल कुरेशी साहब, हाल फिलहाल अगर आप देखें तो एक वीडियो भी आ रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो वीवीपैट, आपको ऐसा लगेगा कि आपका वोट वही पड़ा लेकिन वो वीवीपैट जो है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुछ और भी छाप सकती है। मैं नहीं मानता कि ये हो सकता है सही हो, ये हो सकता है गलत भी हो। नहीं, होने को सब कुछ होने को हो सकता है, लेकिन इसका जवाब जो बेसिकली है कि लाखों पर्चियां गिनी जा चुकी हैं और वो मशीनों से मैच कर रही हैं। अगर ये जो दिखाया जा रहा है इसका मतलब है मशीन में रिजल्ट कुछ और होता, वीवीपैट की पर्चियां कुछ और दिखाती, ऐसा तो नहीं है। लाखों मैच की गई जो, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हर विधानसभा क्षेत्र की में जो 200 से 300 के करीब बूथ होते हैं उनमें से 5 बूथ की मशीनों की पर्चियां गिन ली जाएं, वो जब गिन के मशीनों से कंपेयर की गई वो टैली कर रही है, लाखों टैली कर गई, तो इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए। तो ये तो लेकिन कुरेशी साहब सैंपल हो गया, ये तो सैंपल साइज हुआ। हाँ, बात यहाँ ये भी कही जा रही है जो क्रिटिक्स हैं कि उससे नहीं पता चलेगा। नहीं, मैं बताता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। आप पता नहीं कुकिंग करते नहीं, लेकिन आप अपनी वाइफ से पूछिए जब वो चावल पकाती हैं तो वो चावल पक गया कि नहीं पक गया, तो पतीली में से 2-3 चावल लेके उंगलियों के बीच में, यहाँ पर हाँ अच्छे जी गल गया है, एक एक चावल था, हम ये कहे नहीं, एक एक चावल को पिस करके दिखाओ तभी हम मांगेंगे कि चावल पक चुका है। अरे भाई सैंपल ही तो चखा जाता है। तो ये एनालॉजी मैं सकता हूँ बिल्कुल है कि आपने रैंडमली कुछ मशीनें देखी ठीक काम कर रही तो बाकी भी ठीक कर रही होंगी। तो बल्कि इलेक्शन कमीशन के को डिफेंड करते हुए बताना चाहूंगा, इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कैलकाटा में है उससे पूछा कि बताओ कितना सैंपल ऐसा है जो एक रियलिस्टिक पिक्चर दे सकता है। उन्होंने तो कहा कि सिर्फ एक काफी है, और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ठीक है एक में हम कर देंगे इसको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गया उन्होंने 5 कह दिया, हालांकि 5 की फिगर भी आर्बिट्रेरी है। व्हाई नॉट 10, व्हाई नॉट 20, व्हाई नॉट 3, लेकिन चलो एक से ज्यादा 5 ज्यादा है तो अच्छी चीज थी। अभी भी डिमांड होती है कि साहब 50% 100%। मैंने एक डेस्परेट सोल्यूशन 2 सजेस्ट किए हुए हैं। एक तो मैं तो कहता हूँ अगर बॉटम लाइन के लोग कहते हैं जो बैलेट पेपर पे वापस जाओ, बैलेट पेपर उसमें मुझे 2 बेवकूफियां दिखती हैं। आप ये भूल गए कि बैलेट पेपर क्यों छोड़ा गया था, क्योंकि वो बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी। आप बैलेट पेपर वापस चले जाए बूथ कैप्चरिंग वापस आ जाएगी। उस वक्त भी गुंडे होते थे जो बूथ ये बैलेट बॉक्स उठा के ले जाके गाँव के जोहड़ में फेंक देते थे। अब क्या सब लोग साधु हो गए हैं, अब और भी गुंडे हैं, वो अभी भी उठा के ले जाएंगे। तो जो कॉल था वो तो आप उसकी तरफ वापस जाने, इसलिए वो जाना तो वो तो सोल्यूशन बहुत ही नादानी का सोल्यूशन है। मशीन ही को हमें इम्प्रूव करना चाहिए, और मशीन में 2 इम्प्रूवमेंट मैंने सजेस्ट किए हैं। एक तो काउंटिंग के बारे में,
काउंटिंग में मैं कहता हूँ अगर 100% जो डिमांड हो रही है कि 100% काउंट करो, जिस पे इलेक्शन कमीशन का ने कई बार कहा कि उसमें तो तीन तीन चार चार दिन लगेंगे, जो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। क्यों गलत है? बैलेट पेपर मैंने भी कैश कितने इलेक्शन कराए, मैं रिटर्निंग ऑफिसर था और इलेक्शन कराए हैं बैलेट पेपर के जमाने में 12 घंटे 14 घंटे 24 घंटे के अंदर बैलेट पेपर जो न्यूज़पेपर के साइज का होता था वो अगर गिनने में 12-14 घंटे लगते हैं, तो ये वीवी पैड जो है ये जो इस साइज का है विजिटिंग कार्ड के साइज का, इसको गिनने में 4 दिन कैसे लगेंगे, 3 दिन कैसे लगेंगे? क्या बेहुदा बात की जा रही है? इसको बेवकूफ बना रहे हैं, इसको गिनना, इसका गिनना 1/10 टाइम में, क्योंकि देखिए एक बैलेट पेपर में जहाँ 20-30-40 नाम होते हैं तो जब आप उठाएंगे आप उसमें देखेंगे कि हम संकेत उपाध्याय किधर है, ये वोट संकेत उपाध्याय को गया चलो उसके डब्बे में डाल दिया, ये वोट SY कुरेशी का है उसमें डाल दिया, उसमें 5 मिनट लगते हैं। इस पर्ची पे एक नाम संकेत, मैंने संकेत का इधर डाल दिया, कुरेशी दूसरे डब्बे में डाल दिया, ये तो 1/10 टाइम का ये है। तो अगर अगर क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन के लिए 100% भी गिनना पड़े तो वॉट वाई नॉट, और पूरा देश 2-2 महीने इलेक्शन 2.5-2.5 महीने इलेक्शन रिजल्ट का इंतजार करता है, पहले फर्स्ट डे ऑफ द पोल से काउंटिंग डे तक 2-2.5 महीने पूरा देश इंतजार करता है बड़े पेशेंटली, क्योंकि उसको फ्री इलेक्शन चाहिए, एक दिन और इंतजार कर ले। लेकिन मैं इससे जरा एक सस्ता मॉडल भी आपको दे देता हूँ। हम सब क्रिकेट, पूरा हिंदुस्तान क्रिकेट का फैन है, क्रिकेट में एक DRS सिस्टम है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, उसमें दोनों टीम को 2 अपीलें अलाउड होती हैं कि क्वेश्चन कर लो कि LBW ठीक था कि नहीं था, ये कैच था कि नहीं था, 2 अपील करो, और तो अगर चूंकि 2 ही हैं अगर आपने वो वेस्ट कर दी तो तीसरी तो आपके पास है नहीं, तो आप बड़े जिम्मेदारी के साथ आप उसको अपील करते हैं कि जी मुझे ये थर्ड अंपायर से रेफर करा दो। तो मैंने एक और सजेशन दिया है, राइटिंग में दिया है, उस आर्टिकल में भी दिया है कि साहब जो 2 रनर्स अप हैं, देखो अगर हारने जीतने का फैसला तो फर्स्ट एंड सेकंड और सेकंड थर्ड कैंडिडेट में होगा, 10th कैंडिडेट को जो 50 वोट मिले वो किसी गिनती का नहीं है, उस पर टाइम वेस्ट ना कीजिए, लेकिन रनर्स अप पे तो कीजिए। टॉप 2 रनर्स अप जिन 2 मशीनों पे उंगली रख देंगे जी मुझे इन पे शुभा है इनको गिन दो, तो उनको गिन दो। तो रैंडम अब जैसे LBW के डिसीजन 5% LBW डिसीजन रिव्यू होंगे, 5% वगैरह कर रहे हैं उसमें तो कुछ भी इनोसिव होंगे, जिसपे शुभा होता है वही तो रिव्यू को भेजा जाता है। तो 2-2 मशीनों पे उंगली रख दे तो सिर्फ 4 मशीन है, अभी तो 5 हैं, मैं कहता हूँ 4 मशीनों से आप इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी रिस्टोर कर देंगे, क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि भाई फलां कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस गांव में मैं तो 100 मेरी फैमिली का वोट भी मुझे नहीं मिला, मेरा अपना वोट भी उसमें नहीं मिला, तो उस मशीन को अगर गिनवा दिया होता तो लोगों का ये डाउट दूर हो जाता। तो इन सब चीजों पर गौर करें, इनसे इस पर बात करें और इसका समाधान निकालें, क्योंकि जिस रफ्तार से आप जर्नलिस्ट हैं आपको खुद मालूम है, बताइए जनता में इसका ट्रस्ट कितना कम होता जा रहा है। एक जमाना था कि इलेक्शन की कमीशन की क्रेडिबिलिटी नंबर 1 थी पूरे इंस्टीट्यूशन के अंदर। आपको लगता है कुरैशी साहब इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी खास तौर से अगर वो जवाब नहीं देंगे या मीटिंग नहीं करेंगे तो कम ही होगी, उसको रिस्टोर करना तो जरूरी है? नहीं, तो मुझे इसमें तो आपको मेरी ओपिनियन की जरूरत नहीं, इसमें तो आप ही बताइए क्या आपको कुछ इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी में पे कुछ क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं कि नहीं मिलते? तो जो मुझे तो जब सुनने को मिलते हैं तो मुझे बड़ा दुख और अफसोस होता है, और ऐसे कोई इलेक्शन कमीशन को गाली देता है तो ऐसा लगता है मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, क्योंकि मैं आई एम अटैच्ड विद द इलेक्शन कमीशन, मेरा उसमें खून पसीना मैंने भी थोड़ा बहुत लगाया था उसके इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने के लिए। किसी भी इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन बनाने में लगते हैं सालों और डिमोलिश होने में कुछ मिनट, और बल्कि आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों नोएडा में 3-4 बिल्डिंग है जो 10-10 साल में बनी थी, जो 20-30 मंजिला और 40 सेकंड में डिमोलिश कर दी गई थी। तो बिल्ड करने में टाइम लगता है, डिमोलिश होने में टाइम नहीं लगता। अगर रेपुटेशन पे आंच आ रही है तो उसको रोकने का काम किसका है? आपका मेरा नहीं है। मैं तो खैर फिर भी अपने आप सेल्फ अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करता हूँ, लेकिन किसी इलेक्शन कमीशन का काम है डिफेंड करें बिल्कुल, और सब 2 चीजें करें, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और एक ऑल इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करें
जिसमें हर चीज दिखाएं, क्योंकि छुपाने को वाकई कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन उस मामले में ईवीएम के इशू पे इनोसेंट है। अच्छा, एक सुधार सही। मैंने जो वोटर वेरिफाइबिलिटी, तो उसमें 7 सेकंड तक वो स्क्रीन पर रहता है नाम, ताकि आप देखें कि यस मैंने किसको वोट वीवीपैट दिया, में। हाँ वीवीपैट में। अच्छा, वो अक्सर होता क्या है कि बहुत से लोग 7 सेकंड में वो देख नहीं पाते, क्योंकि जब घुसते हैं इधर उधर देख रहे हैं, इस बीच में 7 सेकंड हो गए वो निकल गया, तो कि जी वो शोर मचा सकते हैं। एक तो उसको मैं कहता हूँ 7 सेकंड के बजाय 12 सेकंड कर दें, और उसमें कोई टाइम भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, क्योंकि 12 सेकंड के लिए वोट देने के बाद मशीन वैसे ही डेड हो जाती है जैसे कि हमने डिजाइन कराई है, बूथ कैप्चरिंग को प्रिवेंट करने के लिए, कि एक आपने अगर वोट दे दिया तो आप 12 सेकंड तक मैं भी उस मशीन को एक्टिव नहीं कर सकता, 12 मिनट तक वो डेड है, 13वें सेकंड में वो दोबारा ऑन की जा सकती है। तो 12 सेकंड तो आपके पास अवेलेबल है फ्री, आप 12 सेकंड तक इमेज को रहने दीजिए, ऑलमोस्ट दुगनी हो गई। दूसरा ये कि वोटर वेरिफाइबिलिटी बढ़ाने के लिए एक टेक्नोलॉजी है, बड़ा सिंपल है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मौजूदा मशीनों में करो, अगली जनरेशन आती रहती है, मशीनें बनती रहती हैं, दो उसमें दो बटन इंट्रोड्यूस कर दीजिए, एक लाल बटन एक हरा बटन। आपने जब देख लिया उसे स्क्रीन पे कि ये वाकई ये वो कैंडिडेट है जिसको मैंने वोट दिया था, तो आप ग्रीन बटन दबा दीजिए, तभी वो पर्ची कट के नीचे जाएगी, और तो आपने वेरीफाई कर लिया तभी वो नीचे गई। और अगर आप संतुष्ट नहीं है कि ये बटन तो मैंने नहीं दबाया था, ये तो को गलत दिखा रहा है, लाल दबा तो आप दीजिए। लाल हाँ लाल दबा दीजिए, उससे पूरी मशीन में एक अलार्म बजेगा, पूरे हंगामा हो जाएगा, उस वक्त उसी वक्त पोलिंग बंद कर दी जाए, और जब तक इसका कुरेशी साहब, जवाब न मुझे ये ढूंढ लें। बताइए, देखिए देखिए, अगर ऐसा होता है तो एक सुझाव और भी है। एक सुझाव ये है जो कुछ लोग दे रहे हैं कि वीवीपैट की पर्ची लोगों को घर ले जाने को दी जानी चाहिए, ताकि वो अपना प्रूफ लेकर के जाएं। तो मेरा ये करेक्ट कहना है कि हाँ, मेरा ये कहना है कुरेशी साहब कि अगर आप ये कहेंगे कि वो लाल बटन दबा दो, सपोज अगर कोई बदमाशी पे ये आमादा हो, हाँ, वो वोटिंग नहीं, उसका रोकने के दबा लिए लाल बटन दबा दे। नहीं, उसका उसके पे ऑलरेडी रूल्स हैं कि अभी भी है कि अगर आप क्वेश्चन करें, बल्कि असम के एक डीजीपी ने तो कहा कि मेरे बटन गलत आया था, उसका जवाब यह है कि ठीक है, जो अगर आपने इस सिस्टम का कंप्लेंट की ना, तो आपके सामने दोबारा बटन दबवाया जाएगा, और अगर दोबारा बटन दबाने में मशीन ने ईमानदारी से काम किया, फिर आपको के खिलाफ क्रिमिनल केस होगा कि आपने झूठ बोला था। तो उसके तो रूल बना हुआ है ऑलरेडी कि झूठ तो प्रूव हो जाएगा कि भाई दोबारा बटन दबा लो भाई, दोबारा फिर लाल आपने दबाया तो गलत निकलेगा, तो इसलिए झूठ का तो वहां स्कोप नहीं है, उसका तो समाधान है हमारे पास, है ना। तो ये अच्छा, अच्छा, लेकिन ये जो पर्ची हाथ में देने का ये डिमांड, मैं समझता हूँ हाँ ये बड़ी बेवकूफी डिमांड है। इसके बाद खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगी, लोग क्या करेंगे कि इसी किस्म की साइज की एक पर्ची लेके आएंगे अपनी जेब से, और देखने में लगेगा कि वो वीवीपैट जो इनको दी गई है वो डाल रहे हैं, वो अपनी जेब में ले जाएंगे और अपने मालिक को दिखाएंगे जिसने उनको 5,000 रुपए दिए, कि देखो भाई ये प्रूफ है मैंने तो तुम्हारे वोट दिया था। तो इसे तो बाइंग एंड सेलिंग शुरू हो जाएगी। इनके हाथ में देने का क्या मतलब है, उस हाथ में देने का सब्स्टिट्यूट ही टेक्निकल सब्स्टिट्यूट ही तो मैं बता रहा हूँ कि बटन दबाना भी तो उनके हाथ में देने के बराबर ही है, कि आप ग्रीन बटन जब ही दबाओगे तो कोई जबरदस्ती गला पकड़ के नहीं दबाएगा, कि जब आप संतुष्ट हो कि यस चाहिए तो आपने बटन दबा दिया, कि उनके हाथ में दे दो, हाथ में दे दो, ये क्या, ये तो बचकाना सी बात है। तीन सुझाव आपने आज कुरेशी साहब दिए हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ऑल पार्टी मीटिंग बुला दे, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी करे, बिकॉज दे हैव नथिंग टू हाइड। ये आपने पहली बात कही। दूसरा आपका ये कहना है कि पब्लिक ट्रस्ट रिस्टोर करने के लिए, इवन इफ अगर सारे वीवीपैट्स काउंट करने हो तो कर दो, कर ये दो, एक एक बार की बात होगी, उसको आप कर दीजिए, वो आपके पास सिस्टम भी है, आप कर भी सकते हैं और प्रोसेस भी जल्दी हो जाएगा। और तीसरा मुझे बहुत ही रोचक लगा, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जैसे क्रिकेट में डीआरएस सिस्टम होता है कि अगर आपको अंपायर का फैसला पसंद नहीं है तो आप उसको रिव्यू कर दें, उस तरीके से आप अपने हिसाब से अपनी ईवीएम टेस्टिंग के लिए मत ले जाइए, हर पार्टी को इक्वली एक समान नंबर दे दीजिए, कि भी इससे आगे नहीं कर पाओगे। बिल्कुल एक्सेप्ट, कि मैंने हर पार्टी नहीं कहा, मैंने इसीलिए कि देखिए 15 15 20 20 40 40 कैंडिडेट हैं, हम 40 की 40 उनके कहने पे जो मशीनें टॉप चला रनिंग में सकते है। हैं टॉप रनिंग में, क्योंकि स्टिक तो उन्हीं के है, अगर नंबर 1 आदमी बोगस तरीके से जीत रहा है तो उसको हटा देंगे, तो नंबर 2 ही तो जो बनेगा,
तो नंबर टू और नंबर थ्री के कंप्लेंट पे मशीन को गिन लीजिए, तो सिर्फ चार मशीनें गिनी जाएंगी, टाइम और भी बच जाएगा। अच्छा तीसरे सुझाव एक और भी है, वो बटन टाइम वाला। बचाने, नहीं, को वो तो हो गया। एक और भी मैं सुझाव देता हूँ आपको कि टाइम बचाने के लिए, कि देखिए ईवीएम ने के जरिए वीवीपैट बन गई, वीवीपैट प्रिंट होके आ गई। अब अभी क्या हम जो काउंटिंग करते हैं, तो आपको ईवीएम सारी की सारी उन खोल के बटन दबा के सबको दिखाते हैं कि देखो भाई इसमें इतने वोट थे, इसमें कैंडिडेट वन को इतने मिले, कैंडिडेट टू को इतने मिले, कैंडिडेट थ्री को इतने मिले, पूरी मशीन दिखाते हैं, 15 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ ईवीएम चार पांच सैंपल गिन लीजिए, ईवीएम की काउंटिंग बंद कर दी, ईवीएम ने प्रिंट आउट बना के दे दिया है आपको, सिर्फ प्रिंट आउट गिन लीजिए, वो बैलेट पेपर गिनने के बराबर हो गया। ये भी सर गौर करें, सुनने में ये आधों को तो समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन ईवीएम को की नहीं, गिनती मैं रही है। समझ गया। एक तरीके की ईवीएम में जितना वोट है उसकी वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे, फिर आप वो हाँ रिपोर्ट टैली कर ले, रिपोर्ट देख अभी अभी समझ आप गए। वीवीपैट का सैंपल करते हैं, मैं कहता हूँ वहां 5 ईवीएम का सैंपल कर ले और 100% वीवीपैट को गिन ले, रिवर्स कर दे सिचुएशन, तो आपको फुल प्रूफ रिजल्ट, क्योंकि वीवीपैट को लोग बैलेट पेपर के इक्विवेलेंट मानते हैं, तो बहुत अच्छी तरीका है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है कुरेशी इसे साहब, देख ये सकते। सब आप कह रहे हैं, आपने ये सब सुझाया है, कुछ जवाब आया इस पे? क्योंकि ये तो दीज आर रिमार्केबल सजेशंस, पब्लिक ट्रस्ट नहीं कितना लेकिन बढ़ जाएगा। नहीं, अब मैं तो ये बोलता ही रहता हूँ, अब ये ऐसा ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमिश्नर जो आते हैं, हम भी वो आए थे, हम अभी जो है हमसे ज्यादा ब्राइट हैं, ये हम समझेंगे हम ही अरस्तु के भांजे भतीजे हैं, ऐसा नहीं है, आज वाले हैं वो हमसे भी ज्यादा ब्राइट हैं, इसलिए हम उनको ज्ञान देने लग जाएं वो हम नहीं करना चाहते, लेकिन कम से कम ये आपका इंटरव्यू अगर वो सुने और उनको ये बात जचती है तो उस पर गौर करें, नहीं जचती तो मुझे जवाब दें। आई वॉन्ट टू बी कन्विंस, बिकॉज मैं तो सेल्फ अपॉइंटेड एम्बेसडर बना बैठा हूँ इलेक्शन कमीशन का, मैं डिफेंड कर रहा हूँ ईवीएम को पिछले आधे घंटे से, क्या ईवीएम पर, रोल है ईवीएम को, क्या रोल है मेरा, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ तो मेरी बात में को लोग शायद ज्यादा मानेंगे, ना कि करंट सीईसी और करंट कमिश्नर, क्योंकि उनके ऊपर ये इल्जाम लग जाएगा कि जी वो सरकार के कहने से कर रहे हैं। मैं तो इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरे तो कोई स्टेक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं डिफेंड कर रहा हूँ तो मेरी तो बात में, आवाज में क्रेडिबिलिटी बनती है। बिल्कुल एसवाई कुरेशी साहब, ये दिस वाज अ मास्टर क्लास इन ईवीएम, ये मानना पड़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद ये समय देने के लिए, जो आपने सुझाव दिए हैं। ये सवाल हम उन लोगों से भी पूछेंगे जा करके जो कि अभी ईवीएम को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं, कि इन सुझावों पर कार्रवाई, यही तो कंस्ट्रक्टिव एक अप्रोच होगी, बीच का कोई रास्ता निकलेगा जो आपने सुझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन इस पर क्या जवाब देता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।